तेरी मेरी उसकी बातें एक सिलसिला है, कुछ भूली बिसरी यादों का, कुछ इस मौजूदा भागदौड़ की जिंदगी में घटने वाले ऐसे वाक्यों का जो या तो कभी हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, या फिर कभी बरबस ही आंखें नम कर जाते हैं। ये सिलसिला है आपकी, मेरी या फिर उन जानी पहचानी हस्तियों की जिंदगी से लिए हुए कुछ खास ऐसे पलों का, जो भले ही बिन कहे चुपचाप होकर गुजर गए, लेकिन जिंदगी की इस किताब के पन्नों पर कुछ छाप जरूर छोड़ गए। तो आइए सुनते हैं लेखक अनिल सक्सेना जी द्वारा लिखित हमारी अगली कहानी, जिसका शीर्षक है बालकनी और पार्क। ये बात उन दिनों की है जब मेरी पोस्टिंग पुणे में हुई थी। बड़ी सी कंपनी में एक अच्छा सा औहदा था, लिहाजा एक बड़ी सी सोसाइटी में 3 बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग फ्लैट प्रोवाइड करवाया गया था। हर कमरे के बाहर एक बालकनी और हर बालकनी के सामने एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत पार्क। अभी बैचलर था और सामान बहुत कम, लिहाजा फ्लैट में ये पर्याप्त से भी ज्यादा जगह कभी कभी उस अकेलेपन का एहसास कराती रहती। ये 90 के दशक का वो वक्त था जब पुणे में अभी इतनी भीड़ और शोर शराबा नहीं था। सड़कों पर टेंशन से भरी बदहवास सी धुआं उगलती, चीखती, आपस में लगभग लड़ती गाड़ियां नहीं थी। शहर में अभी ताजगी थी और तो और सड़कों, पार्कों और लोगों के मिजाज में भी एक खुलापन था। कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे जैसे इन शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग और गाड़ियों ने जगह घेरी, करीब करीब उसी प्रोपोर्शन में लोगों के जहन का अपनापन और खुलापन भी सिमटता गया। उस जॉब के वो शुरुआती दिन थे, इसलिए वर्कलोड थोड़ा ज्यादा था। सुबह निकलता तो रात देर तलक ही वापस पहुंचता। बस 2-1 हफ्ते में ही नई कंपनी के उस कल्चर माहौल को जैसे जैसे समझता गया, वैसे वैसे ही मानो धुंधलापन छटता गया और ये नया शहर, सोसाइटी और फ्लैट थोड़ा और स्पष्ट दिखने लगा, समझ आने लगा। और करीब 1 महीने बाद सुबह बालकनी में बेफिक्री के साथ बैठकर चाय पीने और अखबार पढ़ने की इस मौज और बादशाहत को हमने हासिल कर ही लिया। केन की बनी उस आराम कुर्सी पर बैठना इतना सुखद था कि अब ये वीकेंड्स का एक रेगुलर फीचर ही बन गया। मोबाइल तो अभी उस दुनिया में नहीं आया था, लिहाजा हर चीज को बारीकी से देखना और एहसास करके उसे सोख लेने का हुनर तकरीबन सभी में हुआ करता था। बालकनी से दिखाई देने वाला दिन कुछ इस तरह से शुरू होता। पार्क में पेड़ों, बाड़ और क्यारियों में पहले नन्ही चिड़ियों का चहचहाना, फुदकना और ना जाने किस प्रयोजन से गिलहरियों का इधर उधर भागते रहना। तब कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये जो हवा की ताजगी है, महक है, आगे चलकर ये एक लग्जरी सी भी प्रतीत हो सकती है। खैर, बात हो रही थी उस पार्क में होने वाली गतिविधियों की, तो कुछ ही देर बाद पार्क के बेंच सोसाइटी के बुजुर्गों से घिर जाते और आने वाले वीकेंड्स में मुझे उनकी शक्लों की ठीक से पहचान हो गई थी। वो आपस में कुछ बातें करते और फिर एक ठाका लगता। कभी वो फप्तियां कसते नजर आते तो कभी किसी खास डिबेट में आपस में उलझ जाते। बातचीत किन मुद्दों पर होती ये दूर से उस बालकनी में बैठे मैं समझ नहीं पाता, लेकिन इतनी ऊर्जा, इतनी नई बातें, इतनी फ्रेशनेस पार्क में मौजूद उन सब में, यानी उन बुजुर्गों, चिड़ियों और गिलहरियों में कहां से आती, ये मैं आज तक भी नहीं जान पाया। मतलब अभी कल ही तो ये सब आपस में मिले थे, फिर इतनी देर में ही इतना क्या नया घटित होता है कि वो हर दिन उतना ही फिर जैग लेते हैं। फिर करीब 1 घंटे बाद कुछ और बदलाव आते, मेरा एक और लेमन टी का दौर और पार्क में बेंचों के इर्द गिर्द बुजुर्गों की जगह नन्हे बच्चों का ले लेना। पक्षियों के कलरव और बच्चों की उन आवाजों में मानो होड़ सी लग जाती और बच्चे अक्सर जीत जाते। प्लास्टिक के बैट बॉल और विकेट, या कभी केवल एक ही बड़ी सी रंग बिरंगी सतरंगी बॉल,
ये मामूली चीजें ही बच्चों में इतनी उमंग और खुशी भर सकती है। ये बात तो मेरी समझ से हमेशा थोड़ा दूर रहती। आज तकरीबन 2.5 दशक के बाद पुणे कैसा होगा नहीं जानता, लेकिन जिस महानगर में आज हूँ वहां तो काफी कुछ बदल गया है। एक और नया, काफी बड़ा, एक बड़ी ही आधुनिक और शानदार सोसाइटी में अपना एक फ्लैट है। हर कमरे के बाहर बालकनी यहाँ भी है। फर्क है तो केवल ये कि कमरों के साइज थोड़ा बढ़ा दिए गए हैं और बालकनी छोटी कर दी गई है। पार्क है, बेंच भी हैं, अब तो झूले भी हैं और कुछ सजावटी पेड़ भी। लेकिन वे चिड़िया नहीं है जिसे हम गौरैया कहते थे। बेंचों पर कुछ बुजुर्ग अब भी आते हैं, लेकिन वो ठहाके गायब हैं। बच्चे अब बाहर नहीं निकलते। पार्क में एक चुप्पी सी पसरी रहती है। अब ना तो पक्षी चहकते हैं और ना ही लोग। ये काम आजकल शायद ट्विटर पर बखूबी हो रहा है। This Sochcast? Tune in for more with the Sochcast app from the Google Play Store.